जी स्टूडेंट्स, यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बैरूनी दर्जा हरारत वाली तब्दीलियों के लिहाज से अपने आप को अंदरूनी तौर पर तब्दील कर लेना ताकि वो अपने सर्वाइवल को मुमकिन बना सकें, दिस इज नोन एज थर्मो रेगुलेशन अब इस थर्मोरेगुलेशन के साथ ही आपने ये याद रखना है एनिमल्स के, के पास तो एक जबरदस्त किस्म का कंट्रोल सिस्टम मौजूद है जो प्रोसेस है तो प्लांट्स किस तरह से तब्दीलियों को डिटेक्ट करते हैं और फिर उन्हीं के लिहाज से रिस्पॉन्स देते हैं इसको हम डिफ्रेंशियट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर तो इसे क्या है कि पौधे बुनियादी तौर पर दो तरह की स्ट्रेस को बर्दाश्त करते हैं या उसका सामना करते हैं एक में हाई टेंपरेचर कंसीडर किया जाएगा और दूसरे में लो टेम्परेचर कंसीडर किया जाएगा सो द फर्स्ट वन इज थर्मो रेगुलेशन इन हाई टेम्परेचर यानी कि जब दर्जा हरारत बढ़ जाए तो इसका मतलब यह है कि अब गर्मी वाली कंडीशन पैदा हो सकती है इसके लिए स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि पौधे यह एनिमल्स हमेशा एक मखसूस रेंज ऑफ टेम्परेचर में बेहतरीन कारकरी शो करते हैं जिसको हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर इसको डिफाइन करें अगर टेम्परेचर At which plant metabolism shows its best performance. जी स्टूडेंट्स यानी वो दर्जा हरा जहां पे तमाम के तमाम मेटाबॉलिक रिएक्शंस बेहतरीन कारकरी दिखा रहे हैं इसको हम कहेंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर लेकिन इसके साथ ही साथ जब हम हाई टेम्परेचर का जिक्र करते हैं तो याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू दैबिटेट किसी का ऑप्टिमम टेम्परेचर किसी दूसरे ग्रुप के लिए हाई टेम्परेचर भी हो सकता है तो सबसे पहले हम इन सारी चीजों को कॉमन करते हैं कि कौन कौन से थ्रेट्स या कौन कौन से खतरात हैं कि जिनका पौधों को सामना करना पड़ सकता है सो द फर्स्ट थिंग इज थ्रेट्स जब दर्जा हरारत बढ़ जाए उस सूरत में पौधों को नुकसान क्या क्या हो सकता है तो पहली चीज जो हम यहां पर लिखेंगे स्टूडेंट्स दैट इज डी नेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स एंड वाइटल मॉलिक्यूल्स ऑल राइट एंड देन रेस्ट्रिक्शन ऑफ मेरबॉलिक रिएक्शन जी स्टूडेंट्स यानी दो तरह के खतरा हमें यहां पे फील हो रहे हैं कि जब दर्जा आरदत बढ़ेगा तो प्रोटीन डी नेचर हो जाते हैं और प्रोटीस के अतबार से आपको याद होना चाहिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरलरिक प्रोटीन्स दे आर एनजाइम्स अगर एनजाइम्स डी नेचर हो जाएंगे तो इसका मतलब यह है कैथाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों तरह के रिएक्शंस मुतासर होंगे और उसी की वजह से फिर प्लांट की ओवरऑल परफॉर्मेंस यानी कि पूरे का बुरा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो सकता है और उसकी डिस्टर्बेंस की वजह से पौधा जो है वो या तो मुरझा जाएगा वक्ती तौर पे या फिर ये भी मुमकिन है कि उसकी मुस्तकिल तौर पे डेथ हो जाए तो इसके लिए रेमेडीज या अडेप्टेशन अल्लाह तला ने क्या क्या दी हुई या इनको कि पौधे हाई टेम्परेचर पर गुजारा कैसे करें? नेचुरल रेमेडीज कह सकते हैं इसको और जनरली जिसे हम कहते हैं अडेप्टेशन जी स्टूडेंट्स एडेप्टन में द फर्स्ट वन इज अ Right. कूलिंग मैके हम क्या कहते हैं ट्रांसपरेशन जी स्टूडेंट्स अब ट्रांसपरेशन या कूलिंग मैकेनिज्म जिसको हम कह रहे हैं बुनियादी तौर पे किसी भी ग्रुप ऑफ प्लांट्स की जब हम बात करते हैं तो हमें इस चीज का ख्याल रखना है कि ये हमेशा तब ही होगा जब वाटर की सप्लाई बहुत ज्यादा हो तो इससे क्या मुराद है कि बुनियादी तौर पे पौधे को जब भी ये फील होगा कि बाहर का दर्जा आरत बहुत ज्यादा हाई हो रहा है तो उस सूरत में लीव्स अपने स्टोमेटा के जरिए वाटर को अवेपोरेट करवाना शुरू हो जाएंगे और जब भी वाटर अवेपरेट होगा तो उसके साथ ही साथ एक मैकेनिज्म आप लोगों को याद होना चाहिए अवेपरेटिव कूलिंग मैकेनिज्म होता है वाटर वेपर सराउंडिंग्स के हाई टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद वहां से उड़ जाते हैं इसी वजह से जब कभी भी हम किसी घने दरख्त के नीचे बैठते हैं तो हमें फील होता है कि इसकी छाव सराउंडिंग्स की नस्बत बहुत ज्यादा ठंडी फील हो रही है ऑलराइट या एटलीस्ट वो वाला एरिया जहां पे उसका शेड या साया पड़ रहा है वो बाहर की सराउंडिंग्स की नस्बत थोड़ा सा कूल cool फील होता है तो ये किस वजह से है क्योंकि स्टोमेटा ओपन है वाटर एवेपोरेट हो रहा है और उस एवेपोरेशन की वजह से जो पेरीफ्री है उस ट्री की वहां पे आपको साया भी फील हो रहा है और साथ ही साथ ठंडक भी फील हो रही है इसी वजह से जब भी हम छाओं की टर्म यूज करते हैं तो मोस्टली हम कहते हैं कि ठंडी छाँव ऑल तो जितने ज्यादा दरख्त घने होंगे स्टोमेटा की तादाद लीव्स के एतबार से बढ़ती चली जाएगी उस लिहाज से ट्रांसपेरेशन रेट भी ज्यादा होगा तो जितना दरख्त घना उतनी छाँव भी घनी और ठंडक फील होगी गर्मी के बहुत शदीद गर्मी के मौसम में भी ऑल राइट स्टूडेंट्स तो इसके साथ दूसरा अगर हम देखें एडेप्टेशन तो दैट इज मोर क्रिटिकल एंड इट इज इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फॉर यू बोर्ड क्वेश्चन एज वेल इसमें स्टूडेंट्स हम क्या शामिल कर रहे हैं दीज आर दीट शॉक इट right. इनको हम एच एस पी भी कह सकते हैं All right. जी हीट अब इनके नाम से आपको पता चल रहा है कि के, केमिकली देर मेरअपोटी अब अगर प्रोटीन हैं, अमीनो एसिड पर मुश्तमिल है पोलीपेप्टेंस हैं, बट हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोटीन तो इसके लिए स्टूडेंट्स यही इनकी सिग्निफिकेंस है बुनियादी तौर पे मेलेक्युलर लेवल पे जब स्टडी किया गया तो पता चला कि हाई टेम्परेचर पे जहां बाकी प्रोटीन्स डी नेचर हो जाती हैं ये वाली प्रोटीन्स वहां पे एक खास किस्म का सिग्नलिंग मैकेनिज्म डेवलप करती हैं इसके साथ ही साथ इन्होंने दो काम करने होते हैं दो काम कौन कौन से करने हैं एक तो सेल के इंटरनल साइटोसोल वाले रीजन को प्रोटेक्ट करना है उसके साथ ही साथ जो ऑस्मोटिक रिसेप्टर्स वगैरह या हाइपो ऑस्मोटिक और हाइपर ऑस्मोटिक कंडीशंस को रेगुलेट करने वाले जो प्रोटीन्स हैं उनके साथ भी इन्होंने कम्युनिकेट करना होता है ताकि पानी की आमदो रफ्त, यानी उसकी इनकमिंग और आउट गोइंग जो है वो चलती चली जाए सोल्यूट्स को बचा लिया जाए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो एंजाइम्स जो साइटोप्लाज्म में मौजूद हैं जिन्होंने बाद में उसी सेल को रिवाइव करवाना है जैसी फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो उस सूरत में जो प्रोटीन सबसे ज्यादा कार आमद है दे आर द हीट शॉक ऑलराइट स्टूडेंट्स आपकी किताब में जो डेफिनेशन इस्तेमाल की गई है उससे हमें यही फील होता है कि ये पूरे के पूरे सेल के इंटरनल कंपार्टमेंट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना सिर्फ इंटरनल सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं बल्कि एट द सेम टाइम जो मेम्ब्रेन के अंदर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन हैं उनके साथ भी सिग्नलिंग रिस्पॉन्स चलते रहते हैं जिसकी सूरत में पौधा जो है वो इंतहाई हाई टेम्परेचर या अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने के काबिल हो जाता है स्टूडेंट्स right, और फिर ना सिर्फ प्लांट्स में मौजूद हैं बल्कि कुछ एनिमल्स में भी इनको ऑब्जर्व किया जा चुका है सो हीट शॉक प्रोटीन इज एन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन तो इसकी तैयारी अच्छी तरह से कीजिएगा यहाँ पे हाई टेम्परेचर की बात खत्म हो जाती है देन इज अबाउट द लो टेम्परेचर जी स्टूडेंट्स लो टेम्परेचर से यहाँ पे हमारी क्या मुराद होगी कि अगेन ऑप्टिमम से अगर दर्जा हरारत कम होता चला जाए तो उस सूरत में पौधे किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं right? तो पहली बात इसमें आपने ये याद रखनी है कि अगर तो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक या सडन किस्म की तब्दीली आ जाए तो उस सूरत में पौधों बेचारों को अपने आप को रेगुलेट करने का मौका ही नहीं मिलता तो बहुत ज्यादा लॉसेस हो सकते हैं लेकिन वो पौधे जो नेटिव हैं सर्द इलाकों से खास तौर पे वो जगह जो पहले ही हाई एल्टीट्यूड्स या बुलंदियों पे मौजूद हैं और वहां पे पौधे साल का काफी हिस्सा बर्फ से ढके रहते हैं वहां पे स्पेशलाइज्ड एडेप्टशन हमें नजर आती हैं और सबसे पहले कौन कौन से थ्रेट्स हैं के जिनका सामना करना पड़ता है फिर उसके सोल्यूशन या रेमिडीज की तरफ हम आएंगे तो द फर्स्ट थिंग इज द थ्रेट्स अगेन या डेंजर्स जिनका सामना करना पड़ रहा है G students the first part is fluidity of membranes g fluidity of membranes ab students yad the plasma membrane is made up of proteins and phospholipids all right phospholipids are जैसे ही दर्जा हरारत कम होना शुरू होता है तो उस सूरत में जो हैं ये बहुत ज्यादा क्लोजली पैक होना शुरू हो जाते हैं इनकी क्लोज पैकिंग की वजह से जो फ्लुइडिटी है वो मुतासर होती है और मेमब्रेन रिजिड होना शुरू हो जाती हैं यानी कि सख्त होना शुरू हो जाती हैं तो इस चीज को हम कहते हैं कि द फ्लुइडिटी ऑफ द मेमब्रेन इज आल्टर्ड यानी कि मेमब्रेन जो हैं वो सख्ती की जानब जाना शुरू हो जाती हैं इसको मैं मुकम्मल कर दूं। एक खतरा तो ये है फिर दूसरा खतरा क्या है इंतहाई कम टेम्परेचर पे हाई क्रिस्टल फॉर्मेशन इन साइटोसोल। जी स्टूडेंट्स यानी कि पानी इस कदर जम जाए साइटोप्लाज्म के अंदर वाले हिस्से में कि वहां पे आइस क्रिस्टल्स बन जाएं और आइस क्रिस्टल्स बहुत ज्यादा नोकदार होते हैं नोकीले होते हैं जिसकी वजह से वो क्या करते हैं कि सेल की मेम्ब्रेन को अंदर वाली साइड से परफोरेट कर देंगे यानी सुराख कॉज कर देंगे और एट द सेम टाइम ये भी पॉसिबल है कि जो ऑर्गेनल्स साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद हैं उनमें भी ये सुराख कर दें उसकी वजह से क्या होगा कि ऑर्गेनल्स और मेमब्रेन बेचारी डैमेज हो जाएंगी सेल्स की डेथ होगी ओवरऑल तो उसकी वजह से पौधे के टिश्यू या पूरा ऑर्गेनिज्म भी मुतासर हो सकता है ऑल राइट right? तो इनके सोल्यूशन भी नेचर ने साथ ही प्रोवाइड किए हुए हैं क्या क्या रेमिडीज हमें नजर आती हैं? ऑल ऑलराइट कौन कौन सी रेप्टेशन हैं जी द फर्स्ट वन पहला मसला क्या था कि की फ्लूडिटी जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कॉज कर सकती है अगर फ्लूडिटी रिजिडिटी में तब्दील हो गई है यानी कि सख्त हो चुकी हैं तो एक मॉलिक्यूल तो आपने याद रखना है इज कोलेस्ट्रॉल जी स्टूडेंट्स आप लोगों को अगर मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का याद है जो आपने पार्ट वन में पढ़ा हुआ था तो बहुत अच्छी बात है मैं जल्दी से रिवाइज कर देता हूं अकॉर्डिंग टू द फ्लू मजाइक मॉडल द प्रोटीन्स दे आर एम्बेडेड विद इन द फॉस्फोलिपिड बाई और उसके साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन्स के अंदर मौजूद हैं याद रखिएगा कि यही सर्दियों में मेमब्रेन को फ्लोरिटी प्रोवाइड करते हैं और जब गर्मियों में टेम्परेचर हाई हो जाए तो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स को करीब करीब बाइंड करके उस सूरत में उनकी बहुत ज़्यादा जो डी या फ्लुडिटी बढ़ जाने का खतरा है

क्या होगा कि मेम्ब्रेन की फ्लूडिटी को रीगेन कर लिया जाएगा एक तो नेचुरल सोल्यूशन हमें यह नजर आता है एक और सोल्यूशन भी हमें इसके साथ ही नजर आता है और वो क्या है इंक्रीज इन अनसेचुरेटेड एसिड्स जी स्टूडेंट्स फैटी एसिड्स आपको याद तो होंगे सेचुरेटेड और अनसेचुरटेड सेचुरेटेड फैटी एसिड्स जिनमें कोई भी डबल बॉन्ड हमें नजर नहीं आता और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स जिनकी चेन्स में हमें डबल बॉन्ड्स नजर आते हैं अगेन द फोकस इज ऑन द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल जो है इसके हेड के साथ जो टेल वाला स्ट्रक्चर अटैच्ड है स्टूडेंट्स याद रखिएगा अगर तो इसके पास सेचुरेटेड फैटी एसिड्स मौजूद होंगे तो वो टेल्स बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं जो कि अगेन फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स को टाइटली पैक करवा देती हैं लेकिन अगर फैटी एसिड्स की मिकदार में इजाफा कर लिया जाएगा तो उस सूरत में डबल बॉन्ड्स की तादाद बढ़ जाएगी डबल बॉन्ड्स की तादाद बढ़ते ही जो फॉस्फोलिपिड्स की टेल्स हैं वो बेंड होना शुरू हो जाती हैं या उसमें कर्व्स आना शुरू हो जाते हैं उसकी वजह से द मेमब्रेन दे कैन अगेन रिटेन देयर फ्लुइडिटी ऑलराइट स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि अगर फ्लूडिटी को रीगेन कर लिया जाएगा तो इसकी वजह से मेमब्रेन जिंदा रहेंगी ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स वगैरह की आसानी रहेगी और प्लांट ज्यादा देर सर्वाइव कर सकेंगे right? तो ये दो सोल्यूशन हमें नजर आते हैं इन केस ऑफ मेंजिडिटी ऑल राइट फिर उसके बाद जो दूसरी अडेप्टेशन हमें नजर आ रही है अबाउट द क्रिस्टल फॉर्मेशन ऑल राइट इसमें स्टूडेंट्स क्या किया जाएगा हाई ल्यूट कॉन्सेंट्रेशन वो जी अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें थोड़ा सा अपनी डेली लाइफ की तरफ जाना पड़ेगा हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे कमर्शियल आइस प्रिपरेशन चल रही होती है जिसे हम बर्फ खाने बोलते हैं अब बर्फ खाने के अंदर जब बर्फ तैयार की जाती है तो वहां से इसको ट्रांसपोर्ट भी करना होता है लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए तो तैयारी के दौरान समटाइम्स या बल्कि ऑलमोस्ट ऑल द टाइम्स उसमें सॉल्ट ऐड कर दिया जाता है नमक मिक्स करने का बुनियादी तौर पे इसकी वजह या इसका रीजन क्या है कि जैसे ही इसमें सोल्यूट एड किए जाएंगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट पहले की नस्बत लो हो जाएगा तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग के दौरान बर्फ के पिघलने की जो प्रोबेबिलिटी है या जो स्पीड है वो निस्बतान कम हो जाएगी ऑलराइट तो यही तरीका कार हमें नेचर में भी ये सेल्स अपनाते हुए नजर आ रहे हैं हमने कहा था कि खतरा क्या है कि आइस क्रिस्टल्स क्योंकि बहुत ज्यादा एंगुलर कॉर्नर वगैरह उनके बन रहे होते हैं तो उस सूरत में वो मेम्ब्रेन और ऑर्गेनल्स वगैरह को डैमेज कर सकते हैं तो सेल्स ऐसे प्लांट्स के सेल्स जो पहले से ही बर्फ वाले इलाकों में रह रहे हैं उनके अंदर नेचुरली एक और अडेप्टेशन हमें नजर आ रही है और वो एडेप्टेशन क्या नजर आती है कि ये अपने साइटोसोल के अंदर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा लेते हैं बढ़ा लेने की वजह से दर्जा हरारत अगर माइनस टेन या इससे भी गिर जाता है तो उस सूरत में साइटोसोल के अंदर कूल सोल्यूशन तो जरूर बनेगा लेकिन सुपर कूल सोल्यूशन बन जाने के बाद क्रिस्टल फॉर्मेशन बनने के चांसेस कम हो जाते हैं और स्टूडेंट्स, स्टूडेंट तो ये नेचुरली कुछ थ्रेट्स और उसके साथ ही साथ इन्हीं फ्लक्चुएशन से निमटने के लिए अल्लाह तला ने जो एडेप्टेशन इन पौधों के दी हुई है ये पौधे उन सारी एडेपेशन को अपनाते हुए बहुत ज्यादा हैबिटेट्स में सर्वाइव कर रहे हैं ऑल राइट right, आपके लिए हीट शॉक प्रोटीन एन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और उसके अलावा ओवरऑल जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी आप लोग प्रिपेयर कीजिए और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इसको तैयार करें फिर ताला नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात